भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा चुका दी है और अपने घर पर आए हैं। और इस प्रकार से आइए हम भी अपने पूज्य गुरुदेव का ध्यान करें और आज की इस कथा का अर्ध विराम प्राप्त करें। अपने गुरुदेव का ध्यान करके सम्मान से कहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। जय हो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमो गुरुदेवाय, 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 ओम नमो गुरुदेवाय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, चार भुजानाथ की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, वाणी हिरण्य गर्भ भगवान की, जय जय श्री राधे। अब देखिए, बैठिए बैठिए, एक मिनट बैठिए, बस उठा रहे हैं, ज्यादा देर नहीं बिठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा चुके हैं, गोपियों के साथ विहार कर चुके हैं, कंस को भी मार दिया है। और चलो अब तो उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण कर दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इनका विवाह करवा देना चाहिए? नहीं लगता? तो जैसे ही अब द्वितीय सत्र प्रारंभ होगा, ठीक आधा घंटे बाद, सत्र प्रारंभ होते ही आधा घंटे बाद में भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी जी का विवाह होगा, मंगल विवाह होगा। चाहे हम लाडे की तरफ से आए, चाहे लाडी की तरफ से आए, चाहे जनेती बनकर के आए, चाहे घराती बनकर के आए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में आनंद अवश्य ले और प्रेम से कहें, बोलिए कृष्ण रुक्मिणी भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, बोल श्री राधे। ठीक 2:30 बजे